जहानाबाद में स्वीप कार्यक्रमों के तहत मतदाताओं को जागरूक करने के लिए लगातार कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में लोक गायिका स्टेट आइकॉन मैथिली ठाकुर जहानाबाद के इंडोर स्टेडियम में पहुंची, जहां मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। मैथिली ठाकुर ने अपने गायन प्रस्तुति के माध्यम से लोगों से 1 जून को जहानाबाद में मतदान करने की अपील की। गीतों के जरिए मतदाताओं को शपथ दिलाया गया कि वे अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मैथिली ठाकुर को सुनने पहुंचे तो मैथिली ठाकुर ने भी लोगों को निराश नहीं किया और एक से बढ़कर एक गीत गाकर उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होंने कहा कि पूरी उम्मीद है कि 1 जून को होने वाले चुनाव में जहानाबाद के मतदाता घरों से निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और जिले को मतदान में नंबर 1 बनाएंगे। बिहार स्वीप आइकॉन मैथिली ठाकुर ने कहा कि वो मतदाता जागरूकता अभियान के तहत बिहार के विभिन्न जिलों में जा रही हैं। अपने मतदान के अनुभव को भी उन्होंने साझा किया और कहा कि उन्होंने मधुबनी जिले में मतदान किया और बूथ पर लोगों का उत्साह देखकर बहुत अच्छा लगा। धीरे धीरे बिहार में मतदान प्रतिशत बढ़ रहा है। खासतौर पर मैथिली ठाकुर ने युवाओं से अपील की कि वे अपने मताधिकार का प्रयोग करें और अपने परिवार के अन्य मतदाताओं को भी मतदान के लिए बूथ पर ले जाने के लिए प्रयासरत रहें। जहानाबाद न्यूज के लिए मुकेश की रिपोर्ट। बिल्कुल, ये आज का एक जिला महोत्सव लगा है, इतने सारे लोग मैंने पहले कहीं नहीं देखे किसी भी जिला में, पर जोरदार ताली जहानाबाद आपने दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक गीत जो बहुत ही बच्चे लोग तो बिल्कुल ही जानते हैं, रोज सभी की मदद से साथ में गाएंगे कि नहीं, हम चलेंगे साथ।
मतदाताओं के प्रतिशत की बात है, सबसे ज्यादा जोश तो हमारे नॉन वोटर्स में है जो बच्चे अभी छोटे छोटे हैं। 1 जून को मतदान करें फिर जलपान करें, और ये बहुत ही बेसिक बात है जो मुझे लगता है सभी लोग अब जागरूक हो गए हैं। और जिस तरीके से मैं अलग अलग जिलों में जा रही हूँ, लोगों का उत्साह देख रही हूँ, मुझे लग रहा है जहानाबाद में मुझे सबसे ज़्यादा लोगों का प्यार मिला और लोगों का उत्साह देखने को मिला है। और उम्मीद है जहानाबाद में 100% मतदान हो। और हमारे साथ DM मैम है जो खुद यहाँ पे क्या बोले जहानाबाद के सभी लोगों की देख रेख में है, और किस प्रकार बूथ पर सारी फैसिलिटीज़ हो उस चीज़ की सुनिश्चित यहाँ पे की जा रही है, तो मुझे लग रहा है कि सबसे ज़्यादा नंबर 1 रहने वाला जहानाबाद। क्या अपील करेंगे आप लोगों से? सभी लोगों से अपील है जाइए मतदान करिए 1 जून को, लोकतंत्र को और मजबूत बनाइए। गाना तो ऐसा है कि बचपन से एक दिनचर्या बन गई है, लेकिन ये मेरे लिए नया था जब मैं स्टेट की स्वीप आइकॉन बनी और मुझे पता चला मुझे अलग अलग जिलों में जाना है, और मुझे नहीं मालूम था मुझे हर जिले में लोग पहचानते हैं जानते हैं। मैं काफ़ी परेशान थी, ये सोचती थी कि कोई मेरी बात सुनेगा भी नहीं, लेकिन यहाँ पे आकर के जहानाबाद पहली बार आई और लोगों में जो उत्साह है, मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा भीड़ मुझे यहाँ पे देखने को मिली है, लोगों का इतना सारा प्यार, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। मतदाता जागरूकता को लेकर जिला प्रशासन की ओर से तो तमाम तरह के प्रयास और कार्यक्रम किए ही जा रहे थे, किंतु आज स्टेट स्वीप आइकॉन सुश्री मैथिली ठाकुर जी के आगमन से जिला के सभी मतदाताओं में एक नया उत्साह और एक नई एनर्जी का संचार देखने को मिल रहा है। और आई एम श्योर कि जिस तरीके से वो आज के युवाओं की प्रेरणा है, उनकी आइकन है, उन्होंने बिहार और पूरे भारत में अपना एक नाम बनाया है, अपनी एक पहचान बनाई है, उस पहचान से बहुत बच्चे यहाँ पर, युवा यहाँ पर प्रेरित रहते हैं, तो उनकी बात का एक अलग इफेक्ट सभी के ऊपर पड़ेगा, एक नया प्रभाव जो पड़ेगा उससे हम लोगों को अपना वोटिंग परसेंटेज, वोटिंग टर्नआउट बढ़ाने में और भी अधिक सहयोग मिलेगा। आई एम श्योर उनकी अपील को सुनते हुए लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 1 जून को मतदान करेंगे। समुदाय भाषा अन्य किसी भी प्रलोभन से